आजादी के अमृत महोत्सव पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वागत किया और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग अमृत महोत्सव मनाते हुए आजादी की खुशियों का रस पान कर रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर आज हमारी आजादी को कोई छीनने का प्रयास करता है तो उसके लिए सर्वप्रथम न्यायालय है जो हमारी आजादी को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्यायालय की निष्पक्षता के चलते न्यायालय का सम्मान हर जगह फहराता रहे और शोषित अत्याचार से पीड़ित लोगों को न्याय मिलता रहे। आइए आपको दिखाते हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं अधिवक्ताओं ने शुभकामना देते हुए क्या कहा है। सुनता आया था पहली बार पाया मुखिया मुखो चाहिए खान पान को एक पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उसमें मानवर कोई कमी नहीं है श्रीमान, हंसते मुस्कुराते रहें। अरे मानवर कभी कभी होता ये है कि भावुकता में भावावेश में निशाने भी चूकता रहता है मानवर। ये मानवर भाव है, इसको मान लेना करेंगे श्रीमान। ढेर सारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद। भाव होने पर शब्द पर नियंत्रण नहीं रहता है। मन पर भावुकता ही है, निकलता है। अगर दिमाग से निकले, मस्तिष्क से निकले मन पर तो बनाती आ जाता है। तो उस तरह से ये हम लोग ये तो पता ही नहीं ठंडा। आजादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान के हर निवासियों को मंगलमय हो। ये कितने लाखों करोड़ों शहादत के बाद ये अमृत महोत्सव अमृत पान करने का सुअवसर जो मिला है, उन सबको नमन वंदन अभिनंदन। और हम ये आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये संकल्प लें कि अपनी इस बेमिसाल बेशकीमती बहुमूल्य आज़ादी को सदैव अक्षुण रहेंगे, इसको भंग न होने देंगे। हमारी आज़ादी को अगर कोई हनन करता है तो आदमी सबसे बड़ा जो रक्षा कवच हम लोगों को प्रदान किया गया है संविधान प्रदत्त, वो है न्यायपालिका। तो आज न्यायपालिका के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश गणों को हम अधिवक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद ने अभिनंदन स्वागत वंदन कर नेशनल एम्बलम प्रति वो राष्ट्रीय प्रतीक भेंट किया है, उनको सादर समर्पित किया है, ताकि उनके न्यायपालिका की यश कीर्ति की ध्वजा पताका पूरे बुलंदी के साथ सर्वत्र लहराती रहे, फहराती रहे। समाज में कहीं भी अन्याय शोषण अत्याचार अगर हो तो वो न्याय की आखिरी आशा कि ये न्यायाधीशगण सदैव हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे अधिवक्तागण अपने पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, पूरे ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से न्याय के प्रतिपालन में सदैव अग्रेसित रहें, यही सबको शुभकामना है। पूरे पत्रकार बंधुओं को भी, क्योंकि वो गरीबों की, शोषितों की, जनता की, पीड़ितों की आवाज़ जो उठाते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं, उन सबको हार्दिक बधाई स्वागत अभिनंदन वंदन है। सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजकुमार सिंह तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद का अध्यक्ष, आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और सबसे यही आशा करता हूँ कि सदैव अपने तिरंगा की आन बान शान मर्यादा को बनाए रखेंगे। एक बार फिर सब लोग बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद।